हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये वाला जालीदार डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है वो 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। और ये देखिए, सारी साइड से बहुत सुंदर आता है। ये इसका रॉन्ग साइड है। यहाँ देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने देखिए 6 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद एक फंदा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। 6 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद मैंने यहाँ पे 24 फंदे प्लस एक 25 फंदे यहाँ पे टोटल लिए हुए हैं। मैं आपको इसी सैंपल के ऊपर, जिस तरह से मैंने बेस पर से इस डिज़ाइन को बनाया है, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन को बना के बताऊँगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। रो 1 हमारी फ्रंट साइड से शुरू होगी। तो देखिए, इस डिज़ाइन को हम बनाने के लिए पहला फंदा जो है वो स्लिप कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा जो है हमने वो निट कर लेना है, बुन लेना है। एक फंदे को हम बुन लेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदे को निट करेंगे रो 1 पे। उसके बाद देखिए, हमारे पास 3 फंदे होंगे आगे। उसमें से तीसरा फंदा जो है हम इस तरह से उठा के जो है वो इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 3 से 2 फंदे हो जाएंगे। अब देखिए, हमने वापस इन्हें 3 फंदे करना है। तो उसके लिए देखिए, इन 2 फंदों में से पहले वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद बीच में जाली डाल देंगे इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट फंदा जो है उसे हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। उसके बाद 3 फंदे हम सिंपल बुनेंगे, सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमने ये 2 फंदों के बाद 6 फंदों पर डिज़ाइन डाला है, हमने यही जो है हर 6-6 फंदे पर इस तरह से इस पैटर्न को रो 1 पे रिपीट करते जाना है। तो अब देखिए, नेक्स्ट फिर से तीसरा फंदा उठा के हम लाएंगे और 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। और इनमें से पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागे को आगे ला के जाली डाल देंगे। उसके नेक्स्ट वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, 3 के 3 फंदे वापस आ जाएंगे। उसके नेक्स्ट 3 फंदों को हमने जो है सीधा बुन लेना है इस तरह से। फिर से तीसरे फंदे को इस तरह से ला के पहले फंदे को बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदे जो है सीधा बुन लेंगे। और यहाँ पे देखिए, लास्ट में जो 5 फंदे हैं, देखिए फिर से यहाँ पे लास्ट में भी जो हमने शुरू में किया था उसे ही करेंगे। देखिए, 3 फंदों, तीसरा फंदा जो है 2 फंदों के ऊपर पास करेंगे। और यहाँ पे एक फंदा बुनने के बाद, जाली डालने के बाद, तीसरा फंदा जो है उसे दूसरे फंदे को बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे हैं, 2 को हमने सीधा बुन लेना है। इस तरह से हमारी जो है रो 1 जो है कंप्लीट होती है। अब आते हैं रो 2। रो 2 देखिए, सारी की सारी रो जो है हमने जो है सारे फंदे जो है रो 2 पे उल्टे बनाने हैं, जाली वाले फंदे के समेत। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और सारे फंदों को रो 2 पे हमने उल्टा बुन लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने रो 2 पूरी उल्टी बुन ली है। अब देखिए, अब आते हैं हम रो 3 पे, फ्रंट साइड पे। इस पे देखिए क्या करना है हमने। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद देखिए, अब हमने क्या करना है, जो सेकंड और थर्ड फंदे हैं उनको इस तरह से सिलाई डालते हुए उनको साथ में सीधा बुन लेना है इस तरह से। अब इसके बाद हम धागे को आगे करके इस तरह से जाली डालेंगे,
फिर नेक्स्ट जो फंदा है उसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे धागे को आगे करके इस तरह से दोबारा जाली डालेंगे और उसके बाद जो दो फंदे हैं उनको हमने दोनों को इस तरह से घुमा के जो है वो दोनों को साथ में बुन लेना है। उसके बाद एक फंदा जो है वो हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद दोबारा से देखिए दो फंदों को हमने इस तरह से साथ में बुनना है, जाली डाल के एक फंदा बनाना है। उसके बाद से फिर से जाली डाल के दो फंदों को घुमा लेंगे, उन्हें इस तरह से साथ में बुन लेंगे। उसके बाद एक फंदा हमने सिंपल सीधा बुन लेना है। उसके बाद दोबारा से देखिए दो फंदों को इस तरह से साथ में बुनेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली भी डालेंगे, दो फंदों को घुमा लेंगे और उन्हें साथ में सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, दो फंदे साथ में सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली और दो फंदों को घुमा लेंगे और इकट्ठा बुन लेंगे। लास्ट में एच स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से रो थ्री हमने जो है वो इसी पैटर्न को फॉलो करके कंप्लीट कर लेनी है। अब आते हैं रो फोर पे। रो फोर रो टू की तरह ही हमने एक फंदा शुरू का फंदा स्लिप करके सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से हमारी यहाँ पे रो फोर जो है कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो फोर पे रो फाइव पे आके फ्रंट साइड पे डाल आके पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे चार फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन और ये चार। इस तरह से चार फंदे हमने सीधे बना लिए एक फंदा स्लिप करने के बाद। अब देखिए हमने अब नेक्स्ट जो थ्री फंदे हैं उसमें से थर्ड फंदे को उठा के पहले दो फंदों पर इस तरह पास कर देंगे और पहले फंदे को बुन लेंगे, जाली डालेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। आगे नेक्स्ट थ्री फंदों को हमने सिंपल सीधा बुन लेना है। फिर से तीसरे फंदे को उठा के दो फंदों को ऊपर पास करेंगे, एक पहले फंदे को बुनेंगे, जाली डालेंगे और दूसरे फंदे को बुनेंगे। नेक्स्ट उसके तीन फंदे हमने निट करने हैं, तीन। फिर से रिपीट करेंगे, तीसरे फंदे को उठा के लाएंगे, दो फंदों के ऊपर एक फंदा बुनेंगे, जाली डालेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। अब नेक्स्ट देखिए पांच फंदे रह जाएंगे लास्ट में, पांचों के पांच हमने सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। रो सिक्स पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं हमने उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। अब देखिए अब आते हैं हम रो सेवन पे। रो सेवन पे हमने क्या करना है, लास्ट सीधी सिलाई पे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद तीन फंदे हम निट कर लेंगे, सीधा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए दो फंदों को इस तरह से सिलाई डालते हुए साथ में सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागे को आगे करके इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा जाली फंदा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे दो फंदों को घुमा के हमने सीधा बुन लेना है। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे यहाँ पे। फिर से देखिए दो फंदों को इस तरह से सिलाई डालते हुए इकट्ठा सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा हमने ये वाला सीधा बुनना है, जाली डालेंगे, दो फंदों को घुमा लेंगे इस तरह। उसके बाद एक फंदा
सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, दो फंदों को इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, सीधा जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, दो फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे और साथ में सीधा बुन लेंगे। लास्ट में देखिए चार फंदे रह जाएंगे, चारों को हमने सीधा बुन लेना है। और देखिए रो 8 हम पूरी की पूरी जो है वो उल्टी बना लेंगे इसकी, और इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से ये बनता जाएगा। और इस डिज़ाइन को देखिए बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, और देखिए बहुत ही सुंदर जो है ये डिज़ाइन जो है वो बन के आएगा।